नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की नई रिलीज डेट का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से ही दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। फिल्म से जुड़ी आए दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ ही जाती है। वहीं अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही एक बड़ा कारनामा कर दिया है। यूं कहें कि रिलीज के एक महीने पहले ही पुष्पा 2 ने इतिहास रच दिया है। दरअसल ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही 1,000 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने आखिर कैसे रिलीज से पहले ही 1,000 करोड़ का कारोबार किया है, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल मीडिया के गलियारों में ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के हिंदी डब वर्जन की डील 200 करोड़ रुपए में हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की डील 220 करोड़, तमिलनाडु की 50 करोड़, कर्नाटक की 30 करोड़, केरल की 20 करोड़ और विदेशी बाजारों की 120 करोड़ की थिएटिकल राइट्स की डील पक्की हुई है। यानी फिल्म की भारत में ओवरऑल थिएटिकल राइट्स की डील लगभग 640 करोड़ में फाइनल हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं पुष्पा 2 की नॉन थिएटिकल राइट्स की डील 425 करोड़ रुपए में हुई है। खबरों की माने तो नेटफ्लिक्स ने पुष्पा 2 के स्ट्रीमिंग राइट्स 275 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक राइट्स की डील 65 करोड़ रुपए और सैटेलाइट राइट्स की डील 85 करोड़ रुपए में हुई है। अगर थिएटिकल राइट्स और नॉन थिएटिकल राइट्स के आंकड़ों को जोड़ दें तो फिल्म ने रिलीज से पहले ही 1084 करोड़ की कमाई कर डाली है। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट से ज्यादा कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही जिस तरह से करोड़ों की कमाई की है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। वैसे आपको बता दें कि पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले जो कमाल किया है, वैसा कारनामा आज तक सलमान, शाहरुख और आमिर खान की फिल्में भी नहीं कर पाई हैं। तीनों खान्स ने यूं तो एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है, लेकिन रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 जैसा इतिहास एक भी फिल्म नहीं रच पाई है। सलमान और आमिर का तो पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल देखने को मिल रहा है। अब एक शाहरुख खान ही हैं जो फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर टिक पा रहे हैं। पिछले साल रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्में जवान और पठान ने बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, लेकिन रिलीज से पहले जिस तरह से पुष्पा 2 ने प्रोड्यूसर्स की जेब भर दी है, वो शाहरुख खान भी नहीं कर पाए। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 ने खान्स की भी बोलती बंद कर दी है। बता दें कि पुष्पा 2 द रूल में अल्लू अर्जुन के साथ साथ रश्मिका मंदाना, फहद फाजल अहम रोल में नजर आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में इस बार श्रद्धा कपूर आइटम नंबर करती नजर आएंगी। अल्लू अर्जुन की ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। हिंदी बेल्ट में इस फिल्म ने 1,000 करोड़ की कमाई की थी, जबकि दुनिया भर में इस फिल्म ने 300 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म ने ये कमाई तब की थी जब कोरोना की तीसरी वेव चल रही थी। बताते चलें कि पुष्पा 2 पहले 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, उसके बाद ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने नई रिलीज डेट जारी कर बताया है कि ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।